हाय दोस्तों, तो आज मैं आपको बताऊंगा भारत देश के बारे में कुछ ऐसी सामान्य जानकारी जो कि आपको पहले पता नहीं होगी, जो कि 2024 की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट है। तो पहला प्रश्न है, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि भारत देश में 28 पूर्ण राज्य हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरा है, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा जनसंख्या में राज्य है वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश। ये सबसे बड़ा जनसंख्या में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, और दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 3 में है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यह है प्रश्न क्रमांक 4, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? जी हाँ, तो भारत के अंतिम राजा हिंदू थे पृथ्वीराज चौहान। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं था पता तो आप इसको देख लीजिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 में है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में वर्षा सर्वाधिक किस राज्य में होती है, तो इसका राइट आंसर है मेघालय में। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 में दिया गया है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, तो मुगल वंश की स्थापना अक्रांता बाबर ने की थी, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। जी हाँ, तो प्रश्न क्रमांक 7 में है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? जी हाँ, तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, अकबर। जी हाँ, मुगल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा अकबर थे। अब चलते हैं नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत की राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तो दोस्तों हमारे भारत की राष्ट्रीय ध्वज का नाम है तिरंगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट, देश की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? जी हाँ, तो देश में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो है बंगाली, जैसा कि आप सभी को पता होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आप सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति क्या क्या नाम है? जी हाँ, तो जो अभी भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ये आपको याद कर लेना है दोस्तों, भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, राम मंदिर किसने तोड़ा था? जी हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है बाबर ने। जी हाँ, तो राम मंदिर तोड़ा था बाबर ने, आपको याद रखना है। ये आपका MP पुलिस, SSCGD में भी, और जनरल नॉलेज की ये मेन जानकारी है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो वीडियो के एंड तक जरूर जुड़े रहिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा भारत के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो इसमें दिया गया है, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? जी हाँ, तो अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये रॉलेट एक्ट कानून। जी हाँ, तो अंग्रेजों का जो काला कानून कहा जाता है उसका नाम है, इसका राइट आंसर है रॉलेट एक्ट कानून को। अब बढ़ते हैं अगले। जी हाँ, तो ये है आपका प्रश्न, जी हाँ 14, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GK का, इसको आपको रटनेला है। तो भगत सिंह के साथ राजगुरु व सुखदेव को फांसी दी गई थी, जैसा कि आपको पता होगा कि भगत सिंह फांसी पर टंग गए थे। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? जी हाँ, भारत देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? ये भी आपका इम्पोर्टेंट GK का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, तो ये भी आपका कई कई बार MP पुलिस में भी आ जाता है, GD में भी आ जाता है, SSC में भी आ जाता है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है बहलोल लोधी ने। जी हाँ, तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। अब चलते हैं अगले, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे, जैसा कि आप सभी को पता होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है श्रीगुप्त ने। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा
क्वेश्चन आता है, जैसा कि आपको पता होगा कई कई बार आता है लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। जी हाँ, 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने, इसको भी आप याद रख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था। जी हाँ, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं होगी केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पांडवों ने। जी हाँ, पांडवों ने इसका निर्माण किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था। जी हाँ, ये भी आपका काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है लेकिन पता नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है त्रेता युग में। जी हाँ, त्रेता युग में श्री राम ने जन्म लिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। तो ये भी अगर आपने कृष्ण लीला देखी होगी तो आपको पता होगा, अन्यथा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है, एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण। या श्री कृष्ण की जब मृत्यु हुई थी तो एक शिकारी ने जंगल में उनको तीर मारा था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार हैं। ये भी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं जैसा कि आप सभी को पता होगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, तो ये आपका हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन थे। जी हाँ, हिंदू धर्म के जो सर्वोच्च गुरु थे वो थे शंकराचार्य, तो आप इसको भी याद रख लीजिए। जी हाँ, मैं आपको दोस्तों ये 2024 की लेटेस्ट अपडेट दे रहा हूँ, जो भी हिंदी जीके की लेटेस्ट अपडेट है, तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है, तो ये तो आपको निश्चित रूप से पता ही होगा कि भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर है जयपुर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत की झीलों की नगरी किसे कहा जाता है। जी हाँ, भारत की झीलों की नगरी, तो इसका राइट आंसर है उदयपुर, माफ कीजिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, सृष्टि की रचयिता किसे माना गया है। जी हाँ, सृष्टि की रचयिता भगवान ब्रह्मा को। जी हाँ, तो सृष्टि की रचयिता भगवान ब्रह्मा ने की थी, तो उनको माना गया है। नेक्स्ट, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है। जी हाँ, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। जी हाँ, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है सिट्रिक एसिड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, फलों का राजा किसे कहा जाता है। जी हाँ, तो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि फलों का राजा किसे कहा जाता है, निश्चित रूप से आम को कहा जाता है। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी। जी हाँ, तो हमारे भारत देश का जो वंदे मातरम गीत है उसकी रचना आप सभी को पता ही होगा, जैसा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, तो आप इसको भी याद रख लीजिए, ये कभी कभी आपका आ जाता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। जी हाँ, तो भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ता है, तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी। जी हाँ, ये है भारत के हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी, तो इसका राइट आंसर है फतिमा बीवी, तो ये भी आप याद रख लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादातर आपका कॉम्पिटिशन के पेपर में ये आएगा ही आएगा, तो आप इसको याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, MTS की फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ, MTS की फुल फॉर्म क्या है, तो MTS की जो फुल फॉर्म है मोबाइल टेलीफोन सर्विस, ये कई बार आपको आ जाता है लेकिन पता नहीं होता, तो आप इसको याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, IIT का फुल फॉर्म क्या है, तो मैं ये आपको बेसिक जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। IIT का फुल फॉर्म, जी हाँ, IIT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसको भी आप याद कर लीजिए, ये बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, और ये आपके SSC GD के पेपर में भी कई बार देखा गया है, तो आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट, IIT को हिंदी में क्या कहते हैं। जी हाँ, IIT को हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, NIT का फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ, NIT का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका है फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NIT का फुल फॉर्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत की सबसे पवित्र नदी है माँ गंगा, जिसको हम लोग माँ गंगा के नाम से भी जानते हैं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ था? ये तो आपको पता ही होगा कि गंगा का उद्गम गंगोत्री से हुआ था। नेक्स्ट, बॉलीवुड में शहंशाह किसे कहा जाता है? जी हाँ, तो ये भी आपको पता ही होगा कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये तो आपको बहुत पहले से ही पता होगा कि भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, बाल दिवस किसके जन्म पर मनाया जाता है? तो ये भी आपका, जी हाँ, भारत का बाल दिवस किसके जन्म पर मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, देश में आपातकाल किसने लगाया था? जी हाँ, भारत देश में आपातकाल किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। जी हाँ, देश में आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था। नेक्स्ट, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये आपको याद रखना है कि भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका भी राइट आंसर है इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? जी हाँ, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, तो ये भी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट, सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था? तो ये छपा था आपका 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जी हाँ, तो इसको आपको याद रखना है कि ज्ञानपीठ क्षेत्र पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? जी हाँ, इसका राइट आंसर है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है आप ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना, उत्तर है इसका सन 1906 ईस्वी में। जी हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जी हाँ, भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था, जैसा कि आप सभी को पता होगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी ही आपको जनरल नॉलेज, भारत के बारे में जानकारी और दुनिया के बारे में सामान्य जानकारी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए, वो मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।